कि जो वस्तु हम खरीदते हैं या लेते हैं, तो भैया उसे लेने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि ये मेरे किस काम आएगी, किस उपयोग में आएगी, इसकी उपयोगिता मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में क्या है, इन सब बातों को हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद ही उस वस्तु को लेते हैं। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। महासागर है ये, और मैं और आप सब मिलकर के इन 7 दिनों में इस महासागर में, इस कथामृत में डुबकी लगाने वाले हैं। तो इसके पहले हम सबको ये जान लेना परम आवश्यक है कि भागवत जी की महिमा क्या है। कथा हम क्यों सुने? धर्म, सत्कर्म, कर्म, अकर्म, ये क्या है? पूजा की सच्ची विधि क्या है? ज्ञान और भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? भाग्यशाली कौन है? तो संत कहते हैं, देखो भैया, और तो भाग्यशाली कौन है मैं नहीं जानता, और मुझे भी व्यासपीठ से ये कहने में बड़ा आनंद हो रहा है कि और तो एक से एक भाग्यशाली होंगे संसार में, लेकिन आज सबसे बड़े भाग्यशाली आप हो जो भगवान के घर में बैठकर भगवान की कथा श्री धाम वृंदावन में बैठ के श्रवण कर रहे हो। ये भगवान का धाम है, उनका घर है। बिना उनकी कृपा के यहां आना संभव नहीं है। यहां ब्रज का एक भाव है, ब्रजवासी कहते हैं, मैं भी यहां पर श्री वृंदावन धाम में, महाराज जी 3-4 दिन से मेरा निवास है, तो अनेक संतों के मैंने दर्शन किए यहां पर, सबसे सत्संग भी होता था, तो बहुत सारी चीजें मुझे यहां मिली। मैं आपसे वो उनमें से कुछ कहूं, यहां सब कोई नहीं आ सकता श्री वृंदावन धाम में। ब्रजवासी तो कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, कुछ लोग तो छटिकरा रोड से निकल जाते हैं वहीं से प्रणाम करके, जब तक श्री राधे रानी जी की अनुमति नहीं होती ना, यहां नहीं आ पाते। और कुछ जिनको निमंत्रण होता है ना, वो यमुना एक्सप्रेस से निकलते समय भी वो आके दर्शन करके तब आगे बढ़ते हैं। और ब्रज के वासी कहते हैं, ये यहां की बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जब आपसे कोई कहे ना कि वृंदावन चलो, तीर्थ चलो, तो आप ये मत सोचना कि आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार आपको कह रहा है वृंदावन चलने के लिए। आप यही सोचना प्यारे कि आपको बांके बिहारी ही कह रहे हैं कि वृंदावन आओ, वृंदावन चलो, क्योंकि बिना उनकी अनुमति तो ब्रज मंडल में किसी का प्रवेश ही नहीं है। कथा सुनने का जो नियम है, मैं उनमें से कुछ कहूं आपको, आप उन सब का पालन करते हुए 7 दिन तक मन, क्रम, वचन से, सात्विकता से इस कथा का रसपान करो। मेरी भागवत कहती है कि यह कथा भक्ति की इच्छा से सुनने वाले व्यक्ति को भक्ति देती है, पुत्र की इच्छा से सुनने वाले व्यक्ति को पुत्र देती है, धन की इच्छा से सुनने वाले व्यक्ति को धन देती है, मान सम्मान की इच्छा से सुनने वाले व्यक्ति को मान सम्मान देती है, भक्ति की इच्छा से सुनने वाले व्यक्ति को भक्ति देती है, यहां तक कि मुक्ति की इच्छा से सुनने वाले व्यक्ति को मुक्ति तक दे देती है। मोहस्य क्षय
इति मोक्ष। भागवत कथा मोह का क्षय कर देती है। सौ बहुत जरूरी कार्य हो संसार के, एक दो नहीं, सौ जरूरी कार्य नहीं, बहुत जरूरी कार्य हो, तो शास्त्र कहता है कि उन्हें छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की वाणी है। शतम विहाय च भोक्तव्यम, सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय च दातव्यम, कोटिम तत्वाम हरिम भजे। बंधुओं, संसार का सौ बहुत जरूरी कार्य होना, तो शास्त्र कहता है जरूरी नहीं, बहुत जरूरी कार्य हो, तो शास्त्र कहता है कि उसे छोड़कर पहले भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नानम आचरेत, संसार का 1000 बहुत जरूरी कार्य हो तो उसे छोड़ के पहले स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय च दातव्यम, संसार का 1,00,000 बहुत जरूरी कार्य हो तो उसे छोड़ के पहले दान पुण्य कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने देखा होगा तीर्थों में कि आप दान करने जाते हो और मन ने सोचा कि मैं इस गरीब को कुछ दे दूं, तो दाहिने हाथ ने अगर कुछ निकाला पैसा देने के लिए, तो संत जन कहते हैं कि दान ऐसे करो कि अगर दाहिने हाथ से निकालो और दान दे दो, बाएं हाथ को पता भी ना चले कब दान दे दिया। क्यों? क्योंकि अगर उसे पता चला तो मन संकल्प विकल्प में रह जाएगा, 10 दूं कि 5 दूं कि 50 दूं कि 100 दूं, और कदाचित हो सकता है वापस भी सब रख लो, ना दो दान। मन कब बदल दे कोई भरोसा नहीं। मन को नियंत्रित करने के लिए ही तो भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से पूरी गीता कह दी। मन को एकाग्र करने के लिए, कोटिम तत्वाम हरिम भजे, और संसार का 1,00,000,000 बहुत जरूरी कार्य हो तो भैया उसे छोड़ के पहले भगवान का भजन करना चाहिए। आप सब सच्चे व्यापारी हो, आप सब सच्चे व्यापारी हो, कोई धन कमा रहा है, कोई मान सम्मान कमा रहा है, अच्छा है, अच्छा से अच्छा धन हो अच्छी बात है, मान सम्मान हो संसार में अच्छी बात है, सब कुछ हो, लेकिन इन सब के साथ बस बिहारी जी से सुबह शाम एक प्रार्थना और कर लेना कि हे प्रभु, हे मेरे बांके बिहारी, मुझे धन और संपत्ति के साथ साथ सद्बुद्धि भी दे देना, ताकि मैं इनका कार्य सदुपयोग में करके तेरे चरणों में मेरा मन लगा रहे। अन्यथा भैया, शास्त्र प्रमाण है कि धन ऊर्ध्व गति की ओर भी ले जाता है और धन पतन का भी कारण बनता है। धन को अगर सत्कर्म में खर्च करो, सद्धर्म में खर्च करो, तो वही धन ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है, और अगर धन को विषयों, भोगों, विलास में खर्च करो तो वही धन पतन का कारण बन जाता है। मन को संभाल के रखना भैया, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।